लोग मुझे कहते हैं खमचा खमचा खमचा। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान। मेरी दुनिया सिर्फ ये खेती बाड़ी है, ठीक है, मेरे जानवर मेरे दोस्त है। अरे गंदा। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान। आप कहाँ से हो? मैं यूपी उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर तहसील खुर्जा थाना जक्शन पोस्ट फिरोजपुर गांव जहितपुर। ये आपका पूरा एड्रेस है? और पिन कोड 2031-41। अरे वाह। विनीत खोमचा, ये नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि इस लड़के ने स्टेज पर आते ही पूरे देश में धमाल मचा दिया। कुछ दिन पहले तक जब इस नाम को कोई नहीं जानता था, आज बुलंदशहर जिला ही नहीं बल्कि पूरा देश इस नाम को जानने लगा है। और अगर आप नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं, विनीत खोमचा खुर्जा के गांव जहाजपुर के रहने वाले हैं, जो इस वक्त इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 के लिए पार्टिसिपेट कर चुके हैं और उसमें डांस कर अपनी जो प्रतियोगिता में डांस कर जो अपना हुनर है वो दुनिया को दिखा रहे हैं। और Time24 की टीम खुर्जा के गाँव जहाजपुर में पहुँची है विनीत खोमचा के पास। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका खेत से और स्टेज तक का सफ़र कैसा रहा। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया और सभी को मेरा नमस्कार। विनीत जी, आप बड़े छाए हुए कैमरे पे और उस शो में पब्लिसिटी एकदम खूब ज़्यादा हासिल कर लिया आपने जी, तो मुझे इसका सबसे पहले तो राज बता दीजिए, इतनी एक्साइटमेंट और इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी बस अपने देसी हैं जी, अपने खेती में रह के यहाँ पे बहुत कुछ एनर्जी है और अपनी दुनिया को देख देख के, जब दुनिया आगे बढ़ रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो बस वही देख के एनर्जी आती है। हाँ, अच्छा ये बताइए मुझे, ये डांस की जो कला है आपके अंदर, मैंने भी इस टीवी पे आपको देखा, काफ़ी अच्छे स्टेप मारते हैं आप, फ्लिप करना, बैक फ्लिप मारना, तो ये सब कहाँ से सीखा आपने? ये सब तो मैंने सोशल मीडिया सीखा था। ये मिट्टी है, यहाँ पे चोट भी लगती थी, कभी नहीं लगती थी, तो देख देख के मैंने बस सोशल मीडिया को देख, जितना ज़्यादा देखता है इतना समझ में आता है कि कैसे करना कैसे नहीं करना, बस सोशल मीडिया से देखते देखते सीखता चला गया। बॉलीवुड डांस और आजकल जो टेक्निकल डांस चल रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें स्टेप्स होते हैं, बहुत बारीकी से करना पड़ता है, इन सारी चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व करते हैं आप? शुरू में देखा, आप कुछ भी करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो ऐसे ही मेरे को भी शुरू में बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, जब मैं सोशल मीडिया से वीडियो देख देख के कॉपी करता था, देख देख के सीखता था, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, फिर धीरे धीरे वो मेरे समझ में आने लगा, फिर मैं सोशल मीडिया में ऐसा छा गया कि हाँ जो भी देखता तुरंत कॉपी कर लेता, फिर उसको बना लेता, फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि मैं भी खुद से करने लगा, फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि मैंने देखना कम कर दिया लेकिन मैं खुद से भी करने लगा, प्रैक्टिस ज़्यादा कर दी। हाँ, प्रैक्टिस पे ज़्यादा करने लगा, फिर यहीं मिट्टी में फेंक फ्लिप लेके स्टैंड जो भी करता सब यहीं पे सब ऐसे से सीख गया देख देख के। चाहने वाले बहुत हैं आपके, मोहब्बत भी बहुत लोग करते हैं, सोशल मीडिया पर आपकी वीडियोस भी बहुत वायरल होती है, खासतौर से जिला बुलंदशहर के अंदर, हालांकि देश विदेश देश तक देश में आपको देखा जा रहा है। अच्छा मैं ये जानना चाहूँगा, जो आपका सफ़र है इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 का जो सफ़र है वो कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ से आपको शुरू हुआ था वो? मेरा जो इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 में जो अभी ऑडिशन क्लियर हुआ, ऑडिशन के बाद मैं अभी कोरियोग्राफी राउंड तक पहुंचा हूं। अच्छा। और वहीं से मैं अभी आउट हो भी हो चुका हूं, लेकिन भगवान की कृपा से सभी के प्यार ने और मेरे सपोर्ट ने मेरे को एक और चांस दिया है, सो मैं वापस से शो में वापस जाने वाला हूं बहुत जल्दी, और मेरे को बुलाया गया है तो मैं अब बहुत जल्दी वापस जाने वाला हूं। भाई इनके 3 चाहने वाले और थे, कल्लो गौरी और शब्बो, लेकिन अफसोस हम उनसे मुलाकात नहीं कर सकते क्योंकि वो इस वक्त खेत पर नहीं है, लेकिन इनसे जान लेते हैं कि ये कहाँ रहते हैं, कहाँ इनके खेत हैं, क्या काम करते हैं, किस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इनसे भी जान लेते हैं, बताइएगा ज़रा। मेरा नाम विनीत खोमचा है और मैं यूपी उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर तहसील खुर्जा थाना जक्शन पोस्ट फिरोजपुर गाँव जहितपुर पिन कोड 2031-41। तो अब हम आपको खोमचा के प्रैक्टिस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां वो अपने डांस की प्रैक्टिस करते हैं, यहां उनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए एक शख्स और हैं, और अब हम आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह से अपनी प्रैक्टिस करते हैं और कितना समय यहां देते हैं। चलिए पहले ये जान ही लेते हैं, प्रैक्टिस के लिए कितना समय देते हैं आप पूरे दिन में? मैं मतलब ऐसे तो अलग से तो नहीं निकालता हूँ, पर हाँ इतना होता है कि सुबह शाम तो अच्छे से करता हूँ, और दिन में ऐसा होता है कि जो काम करते रहता हूँ खेतों में, तो काम करते करते भी लीड लगा लेता हूँ, या फिर डिब्बा होता है, मेरे पास डिब्बा है उसको खड़ा करके, डिब्बा मतलब स्पीकर? हाँ स्पीकर, हाँ स्पीकर है, तो उसको खड़ा करके फिर वो बजता रहता है, मैं अपना काम भी करता रहता हूँ डांस भी करता रहता हूँ। नहीं तो ये दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, जैसे काम भी करना है फिर डांस भी करना है? ऐसा कुछ नहीं है, मज़ा आता है, अगर कुछ भी आप काम करो तो सिंपल थोड़ी ना कि डांस के लिए आप अलग से लिख लो, कोई भी काम कर रहे हो खाली मटक करना रहे सिंपल और क्या होता है, हाथ पैर तो फेंकने। फैन फॉलोइंग आपकी जो बढ़ रही है, अब इतने फॉलोअर्स हैं आपके, अच्छी खासी तादाद है, वीडियोज़ आपकी वायरल हो रही हैं, तो अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे?
फैंस के लिए मैं फैंस तो नहीं कहूँगा, आपको सब अपना भाई बड़ा बड़ा भाई। अपने चाहने वालों के लिए क्या कहेंगे? नहीं नहीं, चाहने वाले वो मेरी फैमिली है, वो सब मेरी फैमिली है, बड़े बड़े भाई हो बहन हो, तो मैं उनसे ये कहूँगा आप हमेशा हंसते रहो और लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो बस वो कहते ना कि कामयाबी डटने से आती है हटने से नहीं, तो कभी भी मत हटना, बस लगे रहो और मेहनत करते रहो बस। ये नेचुरल स्माइल है, नेचुरल हंसी है इनकी, चेहरे से दिखती है, वो दिल में भी लगता है कि यही है। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आपको कुछ काम करना है तो उसे इंजॉय कीजिए, आप काम भी कर सकते हैं और अगर आप डांस कर रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या जिस भी किसी में भी आपकी लगन है वो काम आप पूरा कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर वो शौक होना चाहिए। टाइम 24 न्यूज़ के लिए बुलंदशहर से हामिद सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।